बानी पीटीआई लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ से मुतालिक दो मुकदमात में बरी। इस्लामाबाद की अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने बानी पीटीआई को अदालत में पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत वकील की बानी पीटीआई की मौजूदगी में दलाइल की इस्तदा। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने मुकालमा किया कि अगर बानी पीटीआई को अदालत लाते हुए रास्ते में कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। तीन नैब रेफरेंसेस में हसन नवाज और हुसैन नवाज बरी होंगे या नहीं, एहतसाब अदालत इन दरख्वास्तों पर समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत फैसला कुछ देर बाद सुनाएगी। नवाज शरीफ के साहबजादों ने फ्लैगशिप एवनफील्ड और अजीजिया रेफरेंस से बरियत की इस्तदा की है। सैन इंतखाबात से पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस रजिस्टर ना देने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। दो रुकनी बेंच ने रूबरू दरख्वास्त पर समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से असद सिद्दीक एडवोकेट के दलाए। पाकिस्तान और आईएमएफ में कुछ चीज़ों पर इत्तेफाक ना हो सका। मुज़ाकरात में एक रोज़ की तौसे। आईएमएफ वफ्द मुआशी टीम आज मुख्तसर मीटिंग करेगी। लेटर ऑफ इंटेंट और नए कर्ज प्रोग्राम पर बात होगी। लेटर ऑफ इंटेंट पर मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहदे की तरफ बढ़ा जाएगा। मुआशी टीम आईएमएफ वफ्द को इशाइया भी देगी। गैस के बाद बिजली महंगी करने की भी तैयारी। बिजली कीमत में 5 रुपए फी यूनिट इजाफे का इम्कान। सार्फिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा फरवरी की महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। CPPA ने इजाफे की सिफारिश पेपरा को भेज दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।